सबसे पहले पहले प्यार के बारे में कहना चाहूँगा। पहला प्यार से क्या समझे? माँ। पहले प्यार से हर व्यक्ति के जीवन का पहला प्यार माँ ही होती है। सब पहले प्यार पे बोलते हैं, मैं भी कहना चाहूँगा। और नेक्स्ट वीक मदर्स डे भी है, तो माँ ममता की मूरत है, ईश्वर की उसमें सूरत है। जन्म देती है माँ, बच्चों को उंगली पकड़कर चलना सिखाती है माँ। खुद भूखी रहकर बच्चों को खिलाती है माँ। नींद न आने पर लोरी सुनाती है माँ। खुद की इच्छा त्याग कर बच्चों के शौक पूरी करती है माँ। माँ रोटी बनाते समय हाथों के छालों का नाम है। बच्चों के हर चीज़ का ध्यान रखना माँ का काम है। काम करते करते माँ को हो जाती सुबह से शाम है, फिर भी बोलती है बेटा तेको तो आराम है। धरती पर लाई है माँ, अच्छा बुरा सिखाई है माँ। अच्छे संस्कार दिए है माँ ने, नेक काम करना सिखाए है माँ ने। धरती पर ईश्वर का रूप होती है, बच्चों को सुलाकर ही सोती है। ऐसी ममता मई माँ का हम आदर करें, जगत जननी माँ को हम प्रणाम करें। रुककर बैठ गया क्यों है, थककर बैठ गया क्यों है। शुरू किया अगर तूने है, अंजाम तक तू ले जाएगा। दृढ़ निश्चय कर लिया अगर, तो मंजिल को तू पाएगा। रुकना तेरा काम नहीं है, थकना तेरा काम नहीं है। तुझ में वो शक्ति है क्या, इतना तुझे आभास नहीं है। रुककर बैठ गया क्यों है, थककर बैठ गया क्यों है। एक कविता है, अभी मेरी पब्लिश हुई है, कि क्यों हिम्मत तू खोता है, क्यों हिम्मत तू खोता है, क्यों निराश तू होता है। रण जीतना तेरा काम है, मुश्किल से लड़ना तेरे लिए आम है। फिर अपने आप की तुझे क्यों नहीं पहचान है। झांक खुद के अंदर तू, तुझ में वह ताकत है शिखर को पाने की, हर कठिनाई हंसकर अपनाने की। समय अभी बाकी है, कद्र कर ले समय की तू, समय कद्र कर लेगा तेरी। झोंक मेहनत में अपने आप को, मेहनत से सब कुछ होता है। क्यों निराश तू होता है, क्यों हिम्मत तू खोता है। आज जीवन में हम देखते हैं कि सबको शांति मिले ऐसा सब खोजते हैं, लेकिन इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में मन को शांति मिले कुछ ऐसा खोजो। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में मन को शांति मिले कुछ ऐसा खोजो। कुछ ना मिले तो खुद में खुद को खोजो, शांति मिलेगी। अब दो शेर प्यार पर भी, कि बेहद बेशक तुझे चाहता हूँ, क्योंकि सबने सुनाया है कि बेहद बेशक तुम्हें चाहता हूँ, पर मुँह से कुछ नहीं कह पाता हूँ। सोचता हूँ कि मिलकर कुछ कहूँगा, पर तुम्हारे आते ही चुप हो जाता हूँ। जब वो आती मेरे पास है, जब वो आती मेरे पास है, वो पल हो जाता मेरे लिए खास है। पता नहीं अब वो कब आएगा, उस खास पल की ही तो मुझे आस है। और थोड़ी लाइन है, जैसे मैं कुछ भी करता हूँ तो अगला कदम मैं किसी को बताता नहीं हूँ। जैसे मेरी कविता प्रकाशित होने वाली है, जब आता है आएगी तो पता चल जाएगा, तो उस पर सब पूछते कि क्यों नहीं बताता, तो कहता हूँ कि सूरज जब आता है तो वो कहता नहीं है कि मैं आ रहा हूँ, किरणें आ जाती है, सबको पता चल जाता है कि सूरज उगने वाला है। थैंक यू, धन्यवाद।